क्या ऐसा आप ये 350 रुपए का पैकेट है साढ़े अफगानिस्तान वाला पिस्ता डोडा पिस्ते का साइज देखे आप हमें बड़े साइज वाला है ये इसमें छोटा वाला 500 रुपए पाओ सब चीजें मिल जाएंगी मेरे पास यानी तमाम क्वालिटी आपके वियतनाम ये मेरे पास इंडिया है जी भाई कैसे हैं आप अल्लाह करम भैया बताइए अल्लाह का शुक्र है सबसे पहले हमें यहाँ का एड्रेस समझा दीजिए आयशा मंजिल ब्लॉक 7 फेडरल बी एरिया नियर तालिमाबाद शॉप नंबर 7C70 सही अच्छा ये बता दीजिए ये होलसेल रेट पर है या मेरे पास होलसेल और रिटेल रेट दोनों मिल जाते हैं क्वांटिटी के ऊपर बात है और क्वालिटी के ऊपर बात सही अच्छा क्वालिटी मतलब किस किस्म का है कहाँ का है ये सब मेरे पास अमेरिकन बादाम वगैरह होते हैं मसलन माल तो 3-4 जगह से आता है इंडिया से भी आता है अमेरिका से भी आता है अफगानिस्तान से आता है ईरान से आता है तो चीज और क्वालिटी की सब चीजें मिल जाएंगी मेरे पास यानी तमाम क्वालिटी आपके पास मिल जाएगी अवेलेबल है 4-5 आइटम मिल जाएंगे ये मेरे पास जैसे बादाम वगैरह है ये बादाम है अमेरिकन बादाम 600 रुपए पाओ है ये अमेरिकन बादाम है बड़े साइज वाला है ये इसमें छोटा वाला 500 रुपए पाओ है ये देख लीजिए अमेरिकन बादाम है सही ये 600 रुपए पाओ ये 600 रुपए पाओ है बाकी ये पिस्ता है मेरे पास डोडा स्पेशल है मेरा ये सही ये देख लीजिए ये पिस्ता है पिस्ते का साइज देखें होगा भी कड़े के खाने में ये अफगानिस्तान वाला पिस्ता है डोडा पिस्ते का साइज देखें आप ये देखें ये अफगानिस्तान का है क्या पाव है ये इस टाइम चल रहा है 850 रुपए पाओ इसमें पिस्ते में एक क्वालिटी और मिलेगी बाकी इंडियन काजू है मेरे पास ये देखिए पिस्ते में एक क्वालिटी और मिल जाएगी और ये इंडियन काजू है ये होगा भी कड़क इसमें एक आता है वियतनाम ये मेरे पास इंडिया है होगा भी कड़ा के खाने में मीठा होगा ये 700 रुपए पाओ ये मीठा होगा जी ये मीठा काजू है ये 12 से पिस्ते की मैंने क्वालिटी और बताई मेरे पास एक और मिल जाएगा ये वाला ये आठ सौ रुपए पाओ ये 800 रुपए पाओ है वो 600 का ये 800 है जी 800 अच्छा ये कहाँ का है ये अपना ईरान वाला है ये ईरान का है बाकी अखरोट मेरे पास छिला हुआ मिल जाएगा साबुत अखरोट भी मिल जाएगा मेरे पास क्वालिटी है तो सारी मिल जाएगी सही ये देखिए खुबानी तमाम ड्राई फ्रूट आपको शॉप पर मिल जाएगा वो भी होलसेल प्राइस देखिए मेरे पास अभी थोड़ा सा रश का टाइम है वरना आपको जो जो चीज नहीं होती लोगों के पास वो भी दिखा देता हूं जबरदस्त अच्छा इसकी प्राइस बता दीजिए ये भी 300 रुपए पाव चल रही है अच्छी वाली जी बहरहाल इसमें मेरे पास एक हल्की वाली भी है हल्की से मतलब पुरानी है वो 400 रुपए किलो है वो 400 रुपए किलो है पुरानी है मतलब वो पुराना है ये न्यू फ्रेश ड्राई फ्रूट का नाम ही सिर्फ नए पुराने पे असल जो ड्राई फ्रूट के रेट होते हैं नए पुराने पे जी ये छिलावा पिस्ता है पिस्ता मगज कहते हैं इसको छिलावा पिस्ता है ये अच्छा ये क्या पाव है ये इस टाइम चल रहा है अभी अच्छा इसमें छन्ना नहीं लगा हुआ छन्ना मार के देते हैं हम तो खैर ये भी चल रहा है 1300 रुपए पाव 1300 रुपए और कहाँ का है ये अफगानिस्तान की है जैसे साबुत अफगानिस्तान डोडा दिखाया उसी की गिरी है बाकी आपको अखरोट दिखा देता हूँ अखरोट गिरी ये देखो ये मीठी होगी जी इसमें अमेरिकन भी मिल जाएगी इसी का पुराना वाला भी मिल जाएगा छिलावा दिखा रहे हैं आपको ये कहाँ का है ये कश्मीरी गिरी कश्मीरी और ये पाव क्या है ये 600 रुपए पाव चल रहा है 600 रुपए पाव है अच्छा मीठा होगा इसमें कड़वा दाना नहीं होगा मिल जाएंगे छिलावा अखरोट भी मिल जाएगा साबित अच्छा साबित अखरोट भी मिल जाएगा साबित अखरोट भी मिल जाएगा साबित भी दिखा दे हमारे साबित अखरोट भी दिखा अमेरिकन बता अपना अमेरिकन अखरोट दिखाइए साबुत वाला ये अमेरिकन अखरोट है ये काजी अखरोट है अच्छा जबरदस्त यहाँ से टूट जाएगा ये हाथ से टूट जाएगा ये ऐसे टूट जाएगा इसकी ग्रेवी साफ सुथरी निकलेगी अंदर ये स्टैंड चल रहा है 1100 रुपए किलो 1100 रुपए अमेरिका नया माल है जी सही। इसमें पुराना जो है 800 रुपए किलो है ये चिलगोजा मिल जाएगा इसका छिलावा भी मिल जाएगा आपको 1600 रुपए पाव है 1600 रुपए 200 ग्राम का रेट है अच्छा ये पाव का पैकेट है ये 200 ग्राम है ये 200 ग्राम है ये 1300 रुपए का पैकेट ये 1300 का पड़ेगा पैकेट जबरदस्त ये देखिए काफी है 200 ग्राम का छिलावा भी मिल जाएगा 1300 रुपए का पड़ेगा ठीक हो गया इस तरीके से आपको यहाँ बाकी खजूरें वगैरह मिल जाती है मेरे पास
ये रानी खजूर का पैकेट है, ये देख लीजिए रानी खजूर का पैकेट है। ये खजूर देखने बड़ा बड़ा खजूर है, वो भी साफ सुथरा नया खजूर है, जबरदस्त देख लीजिए। ये क्या ऐसा आपके पूरा? ये 350 रुपए का पैकेट है, 650 ग्राम का, 650 ग्राम का पैकेट है। बाकी ये लगे हुए मेरे पास सारी जो अखरोट की वगैरह बता रहा था मैं, ये सारी मिल जाएंगी, चिलगोजा वो लगा हुआ। ये देखिए पीनट की ना, ये टॉफिया वगैरह भी रखी हुई है यहाँ पर, 60 रुपए का एक पीस है। और क्या है? 90 ग्राम का, 90 ग्राम का एक पीस, 90 ग्राम का। अच्छा ये पीनट के अलावा और किसी के किस्म की? तिल में और तिल पीनट दोनों में। ये देख लीजिए आपको, ये खुली हुई भी मैं देख रही थी कुछ यहाँ पर, खुली हुई ये रखी हुई मिल जाएगी आपको 180 रुपए पाओ, 180 रुपए पाओ। ये स्पेशल बनवाएंगे, 180 रुपए पाओ है। ये देख लीजिए 180 रुपए पाओ है पीनट। अच्छा ये आपको आपको तिल के लड्डू भी मिल जाएंगे, तिल के लड्डू वगैरह मिल जाएंगे, स्पेशल बनवाते हैं अपने। अच्छा ये क्या हिसाब है? ये 120 रुपए का पैकेट है, इसमें 25 लड्डू 25 लड्डू होते हैं। देखिए पीनट इस तरीके से आपको ना यहाँ पर ना ये गरम मसाला वगैरह भी रखते हैं, गरम मसाले में कुछ कुछ चीजें होती हैं, कुछ कुछ चीजें रख लेते हैं ठीक है, जैसे सौंफ वगैरह है गरम, यानी आपको तमाम ये बीज वगैरह भी मुझे दिख रहे हैं। जैसे ये बीज क्या हिसाब है? ये बीज 300 रुपए पाव चल रहा है, गजा की? जी गजा के 180 रुपए पाव है, ये गजा के 180 पाव सौगात है। पहलवान रेवड़ी पैकेट कितने का? 170 रुपए का पैकेट है, एक पाव का 250 ग्राम का, 250 ग्राम का 170 का पैकेट है, ठीक हो गया। ये आधा किलो का पैकेट है, बारह जितनी चाहिए होती दे देते हैं हम, 300 रुपए पाव है ये सुंदरकांड, 300 रुपए पाव है ये आधा किलो का पाव, जबरदस्त। और किशमिश भी काफी बड़ी है देख लीजिए, काफी बड़ी वाली, छोटी सी किशमिश नहीं है। सही मिश्री को भी इसके साथ बता दें, क्या मिश्री भाजी 360 रुपए किलो है, 360 रुपए किलो मिश्री है। ये देखिए ये रोस्टेड काजू है मेरा, स्पेशल है ये, खुद फ्राई करता हूँ मैं, कम नमक का रोस्टेड है ये। अच्छा ये आप खुद फ्राई करते हैं? जी खुद फ्राई करता हूँ। अच्छा ये मीठा है, ये नमकीन? ये नमकीन होता है और कम नमक होता है इसमें। अच्छा ये इसके प्राइस बताएं? 750 रुपए पाओ, 3000 रुपए किलो। अच्छा अभी जो काजू मौजूदा रेट है, काजू और पिस्ते का रेट ज्यादा है अभी, ज्यादा है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कम होगा इनका रेट, होगा। जिस तरीके से आप रेट बता रहे हैं वैसे भी मुझे रेट कम ही लग रहे हैं, क्योंकि बाहर के जो हमने रेट लिए वो काफी ज्यादा भी चल रहे ड्राई फ्रूट। ये देखें यहाँ पर आपको गरम गरम ना पीनट भी मिल जाएंगे, पीनट भी बन रही है यहाँ पर, ये देखें गरम गरम, 200 रुपए पाव पीनट। काफी वैरायटी आपको यहाँ पर ड्राई फ्रूट की मिल जाएगी, तो हमारी कोशिश थी आज आपको ड्राई फ्रूट की शॉप का विजिट कराना, ताकि आपको पता चल सके कि विंटर आने वाला है, सर्दी आने वाली है, तो हर कोई इस शॉप से फायदा उठा सकता है, क्योंकि ये होलसेल, फुल होलसेल शॉप है। अब मैं आपको इस शॉप का कार्ड विजिट करा रही हूँ, इसके ऊपर एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दोनों है, अगर कोई विजिट करना चाहता है तो इसके विजिटिंग कार्ड पर एड्रेस मौजूद है और कॉन्टेक्ट नंबर भी मेंशन है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना भूल ना भूलें, ताकि हम आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, अल्लाह हाफिज़।